गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 4, ठीक है। दैट इज हीरो फॉर एवर नेल्सन मंडेला। ओके, कम ऑन टू पेज नंबर 34। नेल्सन रोहिलहला मंडेला वॉज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन एंड फिलैंथ्रोपिस्ट हु सर्वड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999। एंटी अपार्थाइड क्या होता है? इट मीन्स अगेंस्ट द सिस्टम और प्रैक्टिस दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू कलर कास्ट एटसेट्रा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के ये अगेंस्ट थे। और फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है? इट मीन्स वन हु हेल्प्स द पुअर एंड नीडी। ठीक है, आपको स्टार्ट में ही समझ में आ गया कि ये बहुत ही अच्छे पर्सन थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही लेड द कैंपेन ऑफ पीसफुल नॉन वायलेंट डिफाइंस अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट एंड इट्स रेसिस्ट पॉलिसी। डिफाइंस मीन्स रिफ्यूजल टू ओबे, रेसिस्ट हैविंग रॉन्ग नोशन अबाउट अ रेस और पीपल ऑफ वन कलर। He won the Nobel Peace Prize in 1993. He was imprisoned for 27 years. ये देखिए कितना लंबा टाइम ये प्रिजन में रहे। Initially on Robben Island and later on Victor Verster Prison for standing up against the South African government. ठीक है, इसमें आप देखो आपको क्या इससे लेसन मिल रहा है कि अगर आप सही चीज़ के लिए खड़े हो, ठीक है, देन यू शुड नॉट बी अफ्रेड कि आप किसके खिलाफ खड़े हो रहे हो और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। देखिए, ये सही बात के लिए खड़े थे। इनका इनका मोटिव ये था कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए अगेंस्ट एनी रेस, एनी रिलीजन, एनी कलर। ठीक, तो ये साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए, उसके वजह से इनको 27 ईयर्स के लिए प्रिजन में डाल दिया गया। I went for a long holiday for 27 years. Nelson Mandela once said of his years in prison. It was another example of the happy, razor sharp, and often self-deprecating humor for which South Africa's first black president was famous. ठीक है, ये सोचते थे कि इतना लंबा ये प्रिजन में गए कोई और हो तो शिकायत करे, पर इन्होंने कहा कि मैं एक लॉन्ग हॉलीडे पे गया था। ठीक, डेप्रिसिएटिंग मीन्स डाउनग्रेडिंग वन सेल्फ फॉर क्रिएटिंग ह्यूमर एंड मेकिंग अदर्स हैप्पी। इन द विंटर ऑफ 1964 नेल्सन मंडेला अराइव्ड ऑन रॉबिन आइलैंड वेयर ही स्पेंड 18 ऑफ हिज 27 प्रिजन ईयर्स। रॉबिन आइलैंड सिट्स इन द इनहॉस्पिटेबल अटलांटिक ओशन। इनहॉस्पिटेबल मीन्स अनप्लेजेंट। 7 kilometers from the mainland. It is a flat oval and about 11 kilometers in diameter. It was once a leper colony where the unfortunate patients were left to die. देखिए ऐसा ये कितना ख़राब आइलैंड था पहले। इसको जो लेपर से, लेपर एक बीमारी होती है जो उससे डायग्नोज हो जाते थे, जिस जिन लोगों को लेपर हो जाता था उनको इस आइलैंड पे छोड़ दिया जाता था ताकि उनकी डेथ हो जाए। ऐसे आइलैंड पे नेल्सन मंडेला को ले गए फॉर प्रिजनमेंट। लेटर इट बिकेम अ क्वारंटाइन स्टेशन फॉर सिक एनिमल्स। क्वारंटाइन अ प्लेस में पेशेंट्स आर आइसोलेटेड। वायलेंट वेव्स कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक इट्स शोर। नेल्सन मंडेला वॉज मेड टू लेबर हार्ड इन अ स्टोन क्वारी। इनको काम करने के लिए बोला जाता था एंड हार्ड लेबर ही हैड टू डू। फॉर 13 ईयर्स ही ब्रोक रॉक्स from the sunken cliffs daily. He was not allowed sunglasses, so he used to fend off the glare with homemade device made from net and bent wire. इनको sunglasses नहीं दिया जाता था, अब इतनी धूप पड़ी थी तो उसको ये कैसे फेंड करते थे, उसको कैसे हटाते थे? फेंड ऑफ मीन्स प्रोटेक्ट। अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते थे? एक होममेड डिवाइस उन्होंने बनाई थी विद नेट एंड बेंड वायर। ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज साइट एंड जनरल हेड टू द लाइम डस्ट। अपनी आइज तक ये खो देते हैं, ठीक, लाइम डस्ट पे। ही वॉज अलाउड ओनली वन विजिटर अ ईयर फॉर 30 मिनट्स एंड वन लेटर एवरी 6 मंथ्स। इतना मुश्किल टाइम था इनके लिए। ऑल द कन्फाइंड टू अ स्मॉल सेल वे ही यूज टू हार्ड फ्लोर एज अ बेड ही ऑलवेज रिमेन काम एंड चीयरफुल। ठीक है, हम देखो कि कितने यू नो इनमें कितनी चीयरफुलनेस थी कि इतना मुश्किल वक्त होने के बावजूद ये हमेशा काम रहते थे और चीयरफुल रहते थे। ही स्पेंड एवरी स्पेयर मिनट स्टडी एंड इंक्रीजिंग हिज नॉलेज। दिस प्रिजन ट्रांसफॉर्म्ड हिम कम्प्लीटली।
Though his intelligence, charm, and dignified defense, Mandela forced the most ferocious prison official to accept his ways of life and do things as he wanted. देखा ये इतने intelligent थे तो इन्होंने क्या किया, एक बहुत ही ferocious person prison official था. ferocious कौन होता है, brutal and unfriendly, वो तक इनसे you can say इनसे वो हो गया मुतासिर. और उसके वजह से नेल्सन मंडेला जैसे काम करते थे, जैसे वो उनकी वे ऑफ लाइफ थी, वैसे उन्होंने अपना लिया. ठीक, और मंडेला की जो चाहते थे वो वैसा करते थे. इन कोर्स ऑफ टाइम विद हिज फ्रेंडली नेचर एंड लीडरशिप क्वालिटीज ही एस्टैब्लिश्ड लीडरशिप ओवर द जेल इनमेट्स. ठीक है, बाय द टाइम ही गॉट आउट ऑफ प्रिजन ही वॉज अ मैच्योर लीडर हु कुड यूनाइट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द रेसिस्ट गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका एंड क्रिएट अ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका. ठीक है, अब इन्होंने जो काम जो इन्होंने टाइम साउथ अफ्रीका के जेल में इन्होंने काटा, उन्होंने अपने बेहतरी के लिए काटा. वहाँ पे इनकी लीडरशिप क्वालिटीज इम्प्रूव हुई. ठीक है, इन्होंने जेल के इनमेट्स पे भी इन्होंने अपना यू कैन से अच्छी क्वालिटीज़ का प्रभाव डाला. जब ये बाहर निकले तो ये बहुत ही मैच्योर लीडर हो गए थे, जिसके वजह से अब इन्होंने इतना सारा टाइम काटा था प्रिजन में, उसके वजह इनके में और इंटेलिजेंस आ गई थी और पेशेंस आ गया था. एंड दैट लेड टू मोर बेटरमेंट ऑफ हिम. नाउ ही कैन यूनाइट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है, साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट दैट वॉज रेसिस्ट. Here in an incident narrated by Ficklebaum, a fellow prisoner with Mandela on the Robben Island. एक किस्सा सुना रहे हैं उनके एक fellow prisoner जिनका नाम है Ficklebaum. There is one other instance which I remember very well. There had been a newly appointed head of the prison. He really wanted to turn the prison around. Turn the prison around to bring about a complete change in the prison. एक कोई आए थे न्यूली अपॉइंटेड, वो पूरा प्रिजन का मामला जैसे रहता था उनका सारा मैनेजमेंट बदलना चाहते थे. ही सेड दैट द प्रिजन वॉज टू सॉफ्ट एंड टू कम्फर्टेबल एंड ही सेड इट हैड बीन बिकम अ यूनिवर्सिटी रादर अ प्रिजन एंड ही वॉज गोइंग टू टेक ऑफ ऑल स्टडी प्रिविलेजेस एंड वॉज गोइंग टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था नेल्सन मंडेला पढ़ाई बहुत करते थे, तो ये जो न्यूली अपॉइंटेड हेड है उन्होंने कहा ये सारी पढ़ाई भी हटा देंगे और हर तरह की आराम जो है वो हम हटा देंगे प्रिजनर से. इट वॉज क्वाइट रूड. हिज नेम वॉज बैरन हॉस्ट. एट अबाउट द सेम टाइम थ्री जजेस केम टू सी अस इन प्रिजन एंड दे केम टू अ ग्रुप एंड नेचुरली मेंट टू टॉक टू नेल्सन एंड टू फाइंड आउट फ्रॉम हिम व्हाट द कंडीशंस वर लाइक. They had come in the company of the commanding officer Baden Horst and they were asking Mandela about the prison condition. ठीक है, तीन जज आए थे कमांडिंग ऑफिसर्स के ही बात पे, बैडन हॉर्स जिसका नाम था, मंडेला से बात कर रहे थे ये जानने के लिए कि प्रिजन की कंडीशंस कैसी है. एंड ही एज यूजुअल वॉज सेटिंग आउट अ होल लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स टू द जजेस एंड कंप्लेनिंग particularly about the treatment Baden Horst meted out to prisoner. ठीक है, उन्होंने अपनी लिस्ट निकाल ली कंप्लेंट्स की ये बताने के लिए बैडन हॉर्स की बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं प्रिजनर्स को. Baden Horst was a very fiery and temperamental person and he couldn't wait even while Nelson was speaking. He shouted at him, Nelson, you forget one thing, that these people are going to leave and the two of us are going to remain here टुगेदर. ठीक है, तो जो पैटर्न हॉर्स की शिकायत कर रहे थे तो उसको गुस्सा आ गया, उसने नेल्सन मंडेला को बोला कि सारे प्रिजनर्स तो चले जाएंगे लेकिन मैं और तुम हमेशा यहाँ पे रहेंगे इस प्रिजन में. एंड द जजेस कैरीड आउट दैट मैसेज विद देम एंड सून बैडन हॉर्स्ट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉबेन आइलैंड. ठीक है, इस बात की वजह से जजेस ने बैडन हॉर्स्ट को वहाँ रॉबेन आइलैंड से हटा दिया. So he had this way about him that he really did not fear people at all and had a lot of confidence in himself as a person. देखिए इसमें विंक में बिल्कुल भी फियर नहीं था, वो बैडन होस्ट के सामने ही बता देते कि बैडन होस्ट का रवैया सही नहीं है. ठीक है, he never regarded himself as being beneath anyone even while he was wearing as a prisoner. जब वो प्रिजनर के कपड़े भी पहने होते थे तब भी वो ये कभी नहीं सोचते थे कि मैं किसी से नीचे हूँ. ठीक है,
और यही इनमें जो कि जब ये साउथ अफ्रीका में थे तो गवर्नमेंट यही बताती थी कि ब्लैक जो है हमेशा वाइट से नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये और जब वहाँ के ब्लैक ये मानते भी थे, लेकिन नेल्सन मंडेला ने ये कभी भी नहीं एग्री किया। उन्होंने हमेशा कहा कि रेस के ऊपर, क्रीड के ऊपर, कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, ठीक है, इसके इन सब पॉइंट्स के ऊपर कभी भी आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा अबाउट द हीरो, हीरो फॉर एवर दैट वॉज नेल्सन मंडेला, ठीक है। इसके हम एक्सरसाइजेस भी कर लेंगे, मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगी, सो दैट यू विल कंप्लीट इट एंड सेंड इट टू मी, ओके। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई आपको प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ओके। गुड बाय क्लास।